मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। अप्रैल के प्रथम माह तक मॉडल रोड का निर्माण कार्य करें पूरा, कहा रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने। मॉडल रोड का निर्माण कार्य रात 10 से प्रातः 6 बजे तक करें। आपको बता दें कि कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों तथा निर्माण एजेंसी को रतैरा से चौराहा तक की मॉडल रोड का निर्माण कार्य अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि मॉडल रोड में सड़क तथा अन्य निर्माण कार्य रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक करें, जिससे सड़क निर्माण के कारण यातायात में किसी तरह की बाधा न उत्पन्न हो। वहीं वर्तमान में रेवांचल बस स्टैंड के पास सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें दिन भर यातायात का बहुत अधिक दबाव रहता है। निर्माण व्यवस्थित तरीके से निर्धारित प्लान के अनुसार कराएं। जिस तरफ यातायात अवरुद्ध किया जाए, केवल उसी पर निर्माण कार्य केंद्रित करें। एक साथ दोनों और निर्माण कार्य करने से यातायात में बहुत अधिक कठिनाई होती है। कलेक्टर ने कहा कि सड़क निर्माण के साथ साथ नाली निर्माण और पेवर लगाने का कार्य भी तेजी से पूरा कराएं। निर्माण स्थल पर आवश्यक बोर्ड लगाएं। निर्माण स्थल में लगातार पानी का छिड़काव करें, जिससे धूल के कारण प्रदूषण ना हो। नाली बनाने के साथ ही सड़क के किनारे की मिट्टी तत्काल हटाएं। जब तक पुराने बस स्टैंड के आसपास सड़क निर्माण जारी है, तब तक बड़े वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजने के निर्देश ट्रैफिक पुलिस तथा जिला परिवहन अधिकारी को दिए गए हैं। किसी भी स्थिति में आवागमन में बाधा नहीं होनी चाहिए। सड़क का निर्माण तय समय सीमा में अनिवार्य रूप से पूरा कराएं। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तथा निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी चूंकि शहर का मेन ट्रंक है, उस पर निर्माण चल रहा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज हमने जो निर्माण एजेंसी है और जो विभाग है उनको भी बुलाया था, उनके जो निर्माण का शेड्यूल है उसको फिक्स कराया है और उसको इस तरीके से करने के निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक एक तरफ से चलता रहे और जिस तरफ निर्माण हो रहा है उस तरफ चीज़ें व्यवस्थित तरीके से वो रखें, जो गैप्स हैं उसको फिल करके रखें, ताकि किसी भी व्यक्ति को अपना वाहन ले जाने के लिए असुविधा नहीं हो। थोड़े दिन का काम बचा हुआ है, एक तो अगले 2-3 दिनों तक जो काम है वो रात के समय करने के निर्देश दिए गए हैं। होली के बाद जब काम फिर से शुरू होगा तो सारा निर्माण का काम रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में ही किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि होली के बाद जब काम शुरू हो तो 10 दिन के भीतर उस काम को कंप्लीट कर दिया जाए। ये एक चूँकि मेजर काम है और चलते हुए रोड पे काम करना है, तो इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़ आ रही है। ट्रैफिक के डायवर्सन की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि ऐसे वाहन जिन को इस रोड पर आने की आवश्यकता नहीं है उन्हें दूसरा मार्ग प्रदान किया जाए और जो बड़े गाड़ियां हैं उनको यथासंभव इससे दूसरे रोड पर डाइवर्ट किया जाए, कोशिश की जा रही है। थोड़े दिनों की तकलीफ़ है, हम उम्मीद करते हैं कि अप्रैल के पहले सप्ताह के बाद इसमें किसी भी तरह की असुविधा नहीं। पदोन्नति की मांग को लेकर एक बार फिर मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार ने कहा, सभी प्रदेशों में मिल रही है पदोन्नति, आखिर यहाँ क्यों नहीं। तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अपनी मांगों को लेकर पकड़ सकते हैं आंदोलन की राह। आपको बता दें कि पदोन्नति संबंधित अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के द्वारा एक बार फिर मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2017 से अपनी मांगों को लेकर कई बार शासन एवं प्रशासन स्तर पर मांगे की गई है। माननीय न्यायालय के द्वारा राज्य सरकार को पदोन्नति संबंधित फैसला लेने के लिए स्वतंत्र किया गया है, लेकिन राज्य सरकार कई वर्षों से किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है। उनका कहना है कि अन्य प्रदेशों में पदोन्नति के रास्ते खोल दिए गए हैं। मुख्य सचिव को ज्ञापन पत्र में कहा गया है कि अन्य प्रदेशों में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि की मांग भी पूरी कर ली गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में पदोन्नति देने में हीलावाली की जा रही है। आज प्रदेश भर में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार ने पदोन्नति संबंधित ज्ञापन पत्र सौंपा है। साथ ही अपने ज्ञापन पत्र में ये भी चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो आगे वे आंदोलन की राह भी पकड़ सकते हैं। प्रस्तुत है तहसीलदार संघ के पदाधिकारी जितेंद्र मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया माननीय कलेक्टर। ये प्रदेश स्तरीय आंदोलन की शुरुआत है और ये मुख्यतः एक बिंदु है पदोन्नति का, जो नायब तहसीलदार से तहसीलदार पद पर पदोन्नति होना है, तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति होना है। मुख्यतः इस बिंदु पर ही हम लोगों ने ज्ञापन दिया है आज,
दूसरा एक बिंदु और है जो नायब तहसीलदार का वेतन मान है, उसको पे ग्रेड को बढ़ाया जाए, इस बिंदु को भी जोड़ा है। हमारे प्रदेश स्तर पर लगभग 26 जिलों ने भी ज्ञापन दे दिया है। विभिन्न स्तर पर हम सीए, चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर से भी मिलकर के ज्ञापन दिए हैं और ये शुरुआत है। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तो फिर आगे किसी आंदोलन के लिए अगला चरण नियत किया जाएगा। तो विगत कई वर्षों से लगातार आप लोग ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग की मांगें ऐसे ही बनी हुई है। अभी पदोन्नति के मामले में चूंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, इसलिए हम लोग उस आदेश का इंतजार कर रहे थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये प्रमोशन के संबंध में स्टेट गवर्नमेंट को निर्देशित किया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना कानून बनाए और उसके हिसाब से प्रमोशन दे। तो अब हम लोग इसी में आगे बढ़ रहे हैं कि अब स्टेट गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इसकी पॉलिसी बनाए, हम लोग को प्रमोशन दे। युवक पर चाकू से हमला कर आरोपी हुए फरार, झिरिया के समीप की घटना। बता दें कि आधा दर्जन लोगों ने सरेरा युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। युवक को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। सिविल लाइन थाने के झिरिया मोहल्ले में इस घटना को अंजाम देकर बदमाशों ने सनसनी फैला दी। मनीष हरिजन पिता सुखलाल निवासी धोबिया टंकी सोमवार की रात किसी काम से जा रहा था। सिविल लाइन थाने में झिरिया के समीप आधा दर्जन की संख्या में नशेड़ियों से उसका विवाद हो गया। वहां मौजूद आरोपियों ने उसके साथ जमकर मारपीट की और बाद में चाकू से हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर शराबा सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गए थे। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंच गई। खून से लथपथ हालत में पड़े युवक को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया। फिलहाल युवक अचेत अवस्था में है, जिससे आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस फिलहाल घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान कर रही है। प्रस्तुत है पीड़ित के परिजन से प्राप्त जानकारी के अंश। मोड़ पे क्या कर रहे थे आप लोग, वहाँ पे कैसे कर रहे थे? बैंक से लौटे हैं, जिससे लौटे हैं तीन बंदे गाड़ी में आए थे, दो दो लोग थे, उसमें से मुंह पूरा बांधे हुए थे। उसमें से आए हम सबको गाड़ी में लात मारे गए, गाड़ी गिर गई। हम लोग बोले कि भाई हम लोग को हमको बेल्ट मारा है, इसको पता नहीं नहीं लगा कि नहीं लगा, हम भी पकड़े झपटे लगे। तो वो बोला कि यार तुम आधार चोर कौन है? इसको बोला कि भाई अब ये जब गिर गया है पूरा, इसको बेल्ट बेल्ट में वो चाकू लगी यहाँ पे कमर पे चाकू लगी। तो बोला कि यार चाकू लगी हमको, तो उसको पकड़ने लगे। चाकू लगी एक भैया थे वहाँ पे, तो बोले कि यार तू गाड़ी खड़ी, गाड़ी हमारी वहीं खड़ी है, गाड़ी अभी भी खड़ी है वहाँ पे। बोले कि हम छोड़ दे रहे हैं। हम बोले भैया इधर पकड़ने वाला चाहिए। तीन गाड़ी थी इनका जो जिनके लिए चाकू लगा, क्या नाम इनका? मनीष। कहाँ निवासी है? आपका क्या नाम है? आकाश। रीवा के समान थाना क्षेत्र के निर्मल अपार्टमेंट में चोरों ने तीन घरों एवं महिला बाल विकास अधिकारी के घर को भी बनाया निशाना। लगभग 25 लाख का सामान चोरों ने किया है पार। आपको बता दें कि समान थाना क्षेत्र के निर्मल अपार्टमेंट में बीती रात चोरों ने तीन घरों को निशाना बनाया है, जिसमें चोरों ने महिला बाल विकास अधिकारी के घर को भी निशाना बनाया है। चोरों ने लगभग 25 लाख का सामान पार कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। वहीं आपको बता दें कि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिनमें चार बदमाश सामने आ रहे हैं। बता दें कि चोरों ने लगभग तीन घरों का ताला चटकाया है, जिसकी पुलिस अब चोरों का पता लगाने में जुटी हुई है। मौके पर पहुंचे समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने मीडिया से बताया कि तीन घरों के ताले टूटे हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरे में सारी घटना कैद हो गई है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। बड़ी बात तो यह है कि निर्मल अपार्टमेंट में गार्ड होने के बावजूद चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। अब समान पुलिस तीन दिन से अपार्टमेंट में पहुंचकर चोरों का पता लगाने में जुटी है। वहीं आज समान पुलिस अपनी टीम के साथ पीड़ितों का बयान लेने पहुंची और पीड़ितों को आश्वासन दिया है कि जल्दी चोरों को पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस डॉग स्क्वाड एवं एफएसएल टीम की भी मदद ले रही है। प्रस्तुत है पीड़ितों सहित समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमित कुमार सिंह परिहार। ये आपके यहाँ चोरी हुई है, क्या घटना हुई है? घटना मैं शनिवार को रात में गांव चले गया, मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी और वहां मैं सुबह यहां आया जब शनि इतवार को 7:30 बजे, तो यहां मेरे घर का ताला टूटा हुआ था।
और तला डूबा हुआ, तो फिर मैंने कॉलोनी में लोगों को इन्फॉर्म किया कि सर मेरे यहाँ चोरी हो गई है। इसके बाद टीआई साहब को हमने फ़ोन किया, टीआई साहब आए, डॉग स्क्वाड आया, फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले आए, इसके बाद जाँच उन्होंने शुरू कर दिया। और अभी मेरी बात हुई तो बोल रहे हैं कि दो चार लोगों से पर्चा भी हो गया है, शिनाख्त हो गई है और आपका जो है सामान दो तीन दिन में बरामद हो जाएगी। कितने की चोरी हुई है आपकी? चोरी हमारी लगभग 10 लाख रुपए की। क्या क्या सामान लिया है उसमें? 3 लाख कैश, उससे कैश उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और ज्वेलरी थी हमारी 8 अंगूठियाँ थी, और चैन था, पायल थी सोने की, सोने की बिछिया थी, और सोने के झुमके थे। आपके अलावा और दो तीन घरों में चोरी हुई है? मेरे अलावा यहाँ पे रागी मैडम सीए हैं, उनके यहाँ चोरी हुई है, फेज टू में 57 नंबर पे, वहाँ तार टूटा हुआ है। पचौड़ी जी रहते हैं नीचे हमारे, टीआई साहब का मकान है, उनके नीचे चोरी हुई है। 3 घरों में चोरी हुई जी है। अब जाँच चल रही है, पुलिस जाँच चल रही है, और सर बराबर संपर्क में हम सब लोग। घटना है घटना ये रात में जो सीसीटीवी में फुटेज में आया है वो 1:30 बजे की बात का है। क्या नाम है आपका, आप कहाँ चोरी हुई? मेरा नाम नीलिमा श्रीवास्तव, मैं निर्मल एम्पायर G3 में रहती हूँ, मैं अकेले ही रहती हूँ, रिटायर्ड प्रोजेक्ट अफसर महिला बाल विकास में थी, रिटायर्ड हूँ। मेरे यहाँ लगभग कैश 63,000 कैश था, और करीब 2 लाख का सोना था, उसके अलावा छुटपुट अंगूठी इयर रिंग्स था, जिसके डब्बे भी खाली पड़े थे, और सामान अपना मैंने दर्ज करा दिया है। पुलिस आई जांच कर रही है? पुलिस आई है, जांच कर रही, पुलिस तो 4 दिन से आ रही है, और फुटेज वगैरह भी दिखा रही है, अपनी तरफ से पुलिस भरपूर कोशिश में है। ये जो घटना हुई है उसकी सीसीटीवी में भी कह रहे हैं? हाँ, सीसीटीवी में भी कुछ यहाँ से भी लिया गया है, कुछ बाहर से भी लिया गया है, मैंने सभी का फोटो भी आ गया है, अब ये लोग देखेंगे पुलिस अपनी इंचार्ज करा के कैसे क्या होगा, क्या करेंगे लोग, कार्रवाई चल रही है। आप अभी रिटायर हुए हैं? जी नहीं, हम 2011 में रिटायर हुए हैं। कौन से पद में थे? प्रोजेक्ट अफसर महिला बाल विकास। क्या नाम है आपको? नीलिमा श्रीवास्तव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु शास्त्री है। ये अभी परसों चोरी हुई है आपके यहाँ? भी चोरी हुई है? हाँ, हमारे यहाँ चोरी हुआ है, हमारा ये पचौरी साहब का ये मकान मैंने किराए से लिया था, जिसमें मेरे को संडे को सामान शिफ्ट करना था, और शनिवार की रात में ये चोरी हुआ है, 12 के बाद चोरी हुआ है। ये लापरवाही देखिए ये गार्ड की है, अगर बहुत ज़्यादा ये मकान नहीं है ज़्यादा कि लंबे चौड़े में है, छोटे स्तर में ये मकान मतलब छोटे लंबाई चौड़ाई में बना हुआ है साहब, इसलिए जो है ये सबसे बड़ी लापरवाही ये मान सकता हूँ गार्ड की, गार्ड के भरोसे में, गार्ड के विश्वास पर यहाँ कितने लोग करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों का सामान उसके हाथ में रहता है, चलो भाई सुरक्षा करेंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ गार्ड होने के बावजूद चोरी हो गई? हाँ जी जी, हमारा गार्ड होने के बाद भी चोरी हुआ यहाँ पे। हाँ, ये है कि हमारा सामान नहीं गया और हमारा सामान संडे को शिफ्ट होने वाला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विष्णु शास्त्री है। सर, ये चोरी की घटना हुई है, 2-3 घरों में ताला टूटा है, क्या घटना है? हाँ, निर्मल एम्पायर में 2 घरों में ताला टूटा है, जहाँ चोरी हुई है जिसकी रिपोर्ट की गई है, FIRO के विवेचना में है, और प्रारंभिक जांच में आया है कि 4 लोगों ने घटना को पारित किया है। कितने का सामान लगभग गया है क्या? ये अभी तो ये मैं बाहर थे घर के, अभी आए हैं, उनका स्टेटमेंट होगा, उसके बाद जानकारी लगेगी। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया छोटी दरगाह का उर्स, हजारों श्रद्धालुओं ने मांगी मन्नतें। आपको बता दें कि छोटी दरगाह स्थित हजरत मस्तान शाह रहमतुल्ला अल्ले का उर्स मुबारक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर अपनी मन्नत मांगते हुए दुआएं की हैं। आपको बता दें कि एक अरसे से बड़ी दरगाह के बाद छोटी दरगाह का उर्स मनाया जाता है। 14 मार्च को सुबह 11 बजे से उसकी शुरुआत मजार शरीफ में फातिहा से हुई। शाम को परंपरागत तरीके से संदल निकालकर हजरत मस्तान शाह की मजार में चादर पोशी की गई, जिसके बाद लोगों को लंगर वितरित किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग एकत्रित रहे। छोटी दरगाह कमेटी के साथ वास्ते मोहम्मद सोनू मुस्लिम ने बताया कि ये परंपरा काफ़ी वर्षों से चली आ रही है, जहां लोगों की आस्था एवं विश्वास जुड़ा हुआ है। प्रत्येक वर्ष इसी तरह से हजरत मस्तान शाह रहमतुल्ला का उर्स मुबारक मनाया जाता है, जहां जिले भर के लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित समाजसेवी सोनू मुस्लिम से प्राप्त जानकारी के अंश। छोटी दरगाह में आज उर्स मनाया गया है, तो किनका उर्स मनाया गया है थोड़ा बताएं इसके बारे में। हर साल की तरह
इस साल भी हजरत मस्तान साहब रहमतुल्लाह का उसम मनाया गया और एक संदल घोगर पचपड़ा से निकाला गया जिसमें हिंदू मुसलमान सभी लोग शामिल थे और अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। तो हमारे साथ अच्छा हो, सब भाई हिंदू मुसलमान सब एक में रहें, इसलिए दुआ मांगी। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। होली पर्व पर अटिका महाप्रसाद विशाल भंडारा 18 मार्च को होगा आयोजित। बता दें कि विगत 56 वर्षों से सतत जारी विशाल भंडारा इस वर्ष भी आयोजन समिति द्वारा किया जा रहा है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ की सर्वविदित जनश्रुति के अनुरूप अटिका महाप्रसाद पाने यहां दूर दराज तक से लोग चले आते हैं। स्मरणीय है कि भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने व मनवांछित फल प्रतिफल देने के लिए सुप्रसिद्ध हैं। महाप्रभु का भोग मालपुआ खीर से लगता है व अटिका महाप्रसाद में कड़ी भात चढ़ता एवं बढ़ता है। आयोजन समिति ने कार्यक्रम की व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें कि भगवान जगन्नाथ स्वामी के श्री वेंकट संस्कृत महाविद्यालय बिछिया रीवा स्थित ऐतिहासिक मंदिर में होली के पावन पर्व पर अटिका महाप्रसाद का भोग चढ़ाकर वितरण एवं परंपरागत कड़ी भात व खीर ग्रहण करने का प्राचीन अनुष्ठान गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अधिक उत्साह उमंग हर्षोल्लास के साथ भव्य दिव्य तथा विशाल कार्यक्रम के रूप में 18 मार्च को आयोजित किया जाएगा। जगन्नाथ जी के प्रसाद को जगत पसारे हाथ, यहाँ पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है जी। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य यही है, पहले तो भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की जय हो। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बिछिया जगन्नाथ भगवान मंदिर में विशाल भंडारे अटका प्रसाद का आयोजन किया गया है और यह कार्यक्रम श्री जगन्नाथ मंदिर भंडारा समिति के द्वारा आयोजित होता है, जिसमें शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति व्यापारीगण के सहयोग से यह कार्यक्रम होता है। एक भंडारा समिति है जो हर वर्ष इस कार्यक्रम को देखती है, इस वर्ष भी पूरे तन्मयता से साथ लगी हुई है और जिसमें रीवा के सभी जिले से जिले भर के आए हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। कोरोना काल समाप्त हो गया है तो लगभग संख्या बढ़ेगी अब श्रद्धालुओं की, ऐसे में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? व्यवस्था हमारे भंडारा समिति द्वारा इस बार बृहद रूप से की गई है। चारों तरफ व्यवस्था मैदान में कैसी है उसकी रूपरेखा बन गई है। पुलिस प्रशासन से भी हम लोगों ने निवेदन किया है सहयोग के लिए, उनका भी सहयोग रहता है और नगर निगम आयुक्त महोदय से भी लाइट बिजली पानी की व्यवस्था के लिए सहयोग, साफ सफाई के लिए उनसे भी हमको मार्गदर्शन मिला है, व्यवस्था बनेगी। कलेक्टर महोदय से भी हम लोगों ने निवेदन किया है। आदरणीय रीवा विधायक महाराजा साहब का भी हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है और समस्त रीवा के संभ्रांत जनता इस कार्यक्रम में रहेगी, हमें उम्मीद है। कितने वर्षों से संचालित है? पिछले 56 वर्षों से यह कार्यक्रम अनवरत जारी है इसी भंडारा समिति द्वारा। इस वर्ष भी जबरदस्त धूमधाम ढंग से मनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? संजीव गुप्ता। आज की खबरों में बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।